इन शॉर्ट्स को देखकर तो हर व्यक्ति दीवाना हो गया। हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये ठाकुर साहब का जलवा था जो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैदान पर दिखाया था। उनके इस जलवे को देखकर आरसीबी के खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ दोस्तों, आज शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की और उन्होंने आरसीबी के बॉलरों को बहुत भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और दर्शकों का बहुत सारा मनोरंजन। केकेआर ने फिर से मैच में वापसी की और आईपीएल में अपना जलवा बिखेर दिया क्योंकि उनके किंग खान आज मौजूद थे। आज देखना तो ये था कि असली किंग कौन है, इसलिए सभी ने अपना अपना खाना जल्दी तैयार किया और फटाफट किंग खान के गेम्स को देखने के लिए मैदान पर पहुंच गए। तो दोस्तों, क्या हुआ आज के मैच के बारे में मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि रियली आज का असली किंग कौन है। हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी टॉस जीतने वाली टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। हाँ दोस्तों, आज आरसीबी ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और केकेआर की शुरुआत वाकई खराब रही क्योंकि डेविड वैली ने लगातार एक ओवर में दो विकेट निकालकर, मेडन विकेट निकालकर केकेआर को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। तब केकेआर ने कभी नहीं सोचा था, न आरसीबी ने सोचा था कि ये समय उसके साथ एक बार फिर आएगा। हर व्यक्ति को बस यही लगे जा रहा था कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहां से आना था शार्दुल ठाकुर का जादू और शार्दुल ठाकुर का और रिंकू सिंह का ऐसी सुनामी और ऐसा तूफान आया था कि आरसीबी का हर एक बॉलर बस एक ही बात कहे जा रहा था, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हाँ दोस्तों, ज्यादा तो इसलिए हो गया था कि दोनों ने अपनी टीम का इसको 204 रन पहुंचा दिया था और आरसीबी को जीतने के लिए एक बड़ा 205 रन का लक्ष्य दिया। A few moments later, आरसीबी की बारी थी। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत तो ठीक ठाक रही क्योंकि विराट कोहली ने 18 बॉलों में 21 रन बनाए लेकिन बड़ी पारी न खेल सके। वहीं डी प्लेसिस ने भी 12 बॉलों में ताबड़तोड़ 23 रन बनाए लेकिन वो भी अपनी बड़ी पारी न खेल सके और आरसीबी की तरफ से उनकी स्पिन गेंदबाजी ने उनको बैकफुट पर ढकेल दिया और आरसीबी की कमर तोड़कर रख दी। पहले 5 विकेट 54 रन पर ही निकाल दिए। आरसीबी अपना पुराना इतिहास दोहराते हुए नजर आई। आरसीबी का हर एक खिलाड़ी बस आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अब उसके पास सिवाय रोने के कुछ नहीं था और उसकी पूरी टीम इसी तरीके से आरसीबी के सभी फैंसों का दिल टूट गया और हर एक फैंस गुस्से में बस एक ही बात उनको बोले जा रहा था, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं, करें क्या, बोले तो बोले। और आरसीबी बस यही कह रही है, तो हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम हर बार टीम बदलते हैं, हर बार खिलाड़ी बदलते हैं, हर बार कप्तान बदलते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आपकी समझ में आया तो अपना फोन उठाइए, फटाफट से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि मैं आपको इस तरीके की और भी वीडियोस की आईपीएल के और भी मैचों की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।